Subscribe to our channel by clicking the subscribe button, click the bell button, and get all the new videos. अच्छा जी, सवालात की इब्तिदा करते हैं, और इब्तिदा से पहले ये करते हैं कि हम काफी मसरूफ थे। अभी हम सिल्वा हमने कंप्लीट किया, माशाल्लाह बड़ा सक्सेसफुल सिल्वा, 47 पीपल। उसे एक हफ्ते पहले सिल्वा ट्रेनर, उससे 3 दिन पहले फिर सिल्वा इस्लामाबाद में। कल हमने डॉक्टर्स के लिए डाओ, मार्टिन डाओ एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उन्होंने हमें एंगेज किया है पाकिस्तान के 5 या 6 शहरों के लिए। डॉक्टर्स को वो हैप्पीनेस इनसाइट के ऊपर एक कॉन्सेप्ट है कि असल जो हैप्पीनेस खुशी होती है वो इंसान के अंदर होती है। तो उस पर हमने कल कराची में दिया, अबाउट 200-300 डॉक्टर्स। आज सुबह पुलिस वालों के साथ था, बड़ा अच्छा था, कोशिश काबिज उनकी। लोग कुछ कोशिश तो कर रहे हैं कि पुलिस की रिफॉर्म्स हो, पुलिस की मोरल बेहतर हो, तरबियत हो। आई होप थिंग्स गो इन अ पॉजिटिव वे। तो आज हम बड़े थक गए हैं, बट एनीवे स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पहला सवाल हाजरीन की तरफ से, अस्सलाम वालेकुम। दूसरा भी आ रहा है हाजरीन की तरफ से, आइए। सर, मेरा सवाल आपसे माफी और दरगुजर करने पर है। अच्छा जी, मेरे भाई से इतनी नहीं बनती, इसकी और मेरी सोच बहुत अलग है। मैं उसके साथ बहुत मॉडेस्टी और रिस्पेक्ट के साथ चलती हूँ और ज्यादातर लेट गो को कंसिडर करती हूँ, लेकिन बार बार कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन सामने आ जाती है। आखिर कोई कितनी बार फॉरगिव और कॉम्प्रोमाइज को कंसिडर करे, प्लीज डिटेल में एक्सप्लेन कीजिएगा। अच्छा, आई एम श्योर जिसने मुझे दिया है वो खातून है, राइट? आज हम पुलिस में थे तो एक SP रेलवे थी, उसने एक प्रेजेंटेशन दी आधे घंटे की, शायद 20 मिनट की। उसमें आके उसने बताया कि हमारे मुल्क में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कितना ज्यादा है, और वो जो उसने फैक्ट्स एंड फिगर दिए थे स्क्रीन पे, वो वाकई शॉकिंग थे। तो मैंने अभी मैं समा पे भी था, 6 बजे की न्यूज पे, वो जो बच्ची छत से गिरी है 6ठी मंजिल से, उसके ऊपर सलाम अलैकुम। कल रात को भी समा पे था, तो आज एक और इन्फॉर्मेशन उनके पास आई, तो मुझसे फिर बात की उन्होंने कि पता चला कि उसकी जो टीचर थी स्कूल की, उसने बताया कि जो वो दीनी मदारिस की टीचर थी खातून, वो मोमबत्ती जला के गर्म मोम उसके हाथों पे डालती थी। तो बच्ची को नहीं जाना था मदरसे पढ़ना, तो माँ ने 2 दिन से उसको बंद करके रखा था। अब उसके बाद क्या हुआ, धक्का दिया गया, खुद गिर गई, खुद आ गई। मुझसे पूछ रही थी कि माँ बाप ऐसा क्यों करते। असल जो इश्यू है वो ये होता है कि जब घर में बेटी पैदा होती है तो माँ बाप जो है वो उनको पसंद नहीं है इस बात को। मैं सब माँ बाप की बात नहीं कर रहा, अक्सर माँ बाप, बेटा पैदा होता है तो बड़ी खुशियां मनाई जाती है, बेटी पैदा होती है तो थोड़े से जरा खुशी कम होती है। अब इसी तरह जब बेटी और बेटा बड़ा होता है तो बेटी को ज्यादा सबकत नहीं दी जाती उसको, बल्कि हद तो एक अच्छी बोटी भी खाने में कहते नहीं दी जाती। बेटे को वाह वाह की जाती है, बेटा पढ़ेगा, बनेगा, हमारा सहारा बनेगा, हमारी नस्ल उससे चलेगी। अच्छा, हम मुसलमान ये भूल जाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल बेटी से चली है, ना कि बेटे से चली। अब ये बेटे बेटे के चक्कर में माँ बाप जो है वो बेटे को बहुत सर पे चढ़ा लेते हैं, बेटी की वैल्यू कम हो जाती है। एजुकेशन भी जो अच्छे माँ बाप है समझदार है वो बच्चे को एजुकेशन बेटी को देते हैं, मगर अक्सर घरों में बेटी को एजुकेशन भी नहीं देते, कभी मेंटर कर लो बस काफी, तुम्हें क्या करना, तुमने तो किसी और घर चले जाना है। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है कि तुम्हें किसी और घर चले जाना है, तुम तो अमान है, तो इसका मतलब है हम तुम पे जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे सब बेकार, क्योंकि वो वापस तो मिलनी नहीं है। तो एक तो माँ बाप के जहन में जो कॉन्सेप्ट है कि बच्चों की पढ़ाई पे जो वो पैसा खर्च कर रहे हैं वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न उनको मिल रहा है, ये सोच बहुत गलत है। बच्चे को एजुकेट करते हैं, बच्चे को तरबियत करते हैं इसलिए कि वो एक अच्छा इंसान बने, बेहतर इंसान बने, जिंदगी में कामयाब हो, ना कि वो पैसा कमा के आपको दे। वो दे तो अलग बात है, दैट्स ओके, अंडरस्टूड है, बट ये सोच नहीं होनी चाहिए कि मैं बच्चे को MBA कराऊं, डॉक्टर बनाऊं तो वो कमाने के बाद मुझे देगा। सबसे पहले ये सोच गलत है। दूसरा, तफरीक जो लड़का लड़की में की जाती है हमारे घरों से शुरू होती है। आप बड़े भाई है, छोटे भाई के सामने भी नहीं बोल सकती अगर बहन है तो, और वो भाई जो चाहे करे, वो रातों को लेट भी आए कोली बोल सकता, ठीक है बेटी तो नहीं आनी चाहिए लेट, जो माशरा हमारा है, मगर बेटी को वो मकाम नहीं दिया जाता। और आप जानते हैं, आप सब यहाँ बैठे हैं और हमारे जो नाजरीन ये प्रोग्राम देख भी रहे हैं, वो जानते हैं कि शादी के बाद बेटी, शादी भी हो जाए, वो माँ बाप के काम आती, बेटा अक्सर नहीं आता।
क्योंकि उसके पास एक लड़की आती है जो उसकी बीवी होती है, तो उसका ताल्लुक बीवी से ज्यादा जुड़ जाता है, मगर बेटी अपने माँ बाप को नहीं भूलती। कई ऐसे वाकियात हैं जहाँ बेटियां आके खिदमत करती है अपने माँ बाप की। तो बेटी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत और रहमत है, मैं तो दोनों कहता हूँ नेमत और रहमत। और जिस बाप को जिस माँ को सिर्फ अल्लाह ने बेटियां दी वो बहुत खुश नसीब है, अगर उन बेटियों की अच्छी तरबियत करे, अच्छा इंसान बनाए और फिर उनको शादी कर दे उनकी, तो उसका मतलब है माँ बाप को अल्लाह ने दुनिया में जन्नत लिख दी उनके लिए। तो अब मसला ये है कि क्या किया जाए। बात यह कि खामोशी सबसे बेहतर इलाज है, क्वाइट हो जाओ। कई दफा इंसान का ईगो हर्ट होता है, कई दफा उसकी सेल्फ एस्टीम हर्ट होती है, कई दफा आप हक पे होते हो मगर आप बोलते हो सामने वाला जो है वो आपको गलत रिस्पॉन्ड करता है, तो क्या करना चाहिए? चुप, खामोश। इज्जत जरूर करें भाई की मगर खामोशी कर लें, और इवेंचुअली ये होगा कि शायद रियलाइजेशन उसको हो। अगर नॉर्मल सेन आदमी है, दिमागी मरीज नहीं है, तो उसको कभी ना कभी रियलाइजेशन होगा। बहन के तौर पर जो कर सकती है अपने भाई के लिए वो जरूर करें, मगर बहुत कम भाई होते हैं जो अपनी बहन का सहारा बनते हैं दुनिया में, अक्सर नहीं बनते, बहुत कम भाई होते हैं। बल्कि ऐसे ऐसे हमारे पास केसेस आते हैं, मतलब मैं तो समझ नहीं आता कि इस माशरे को क्या हो गया है। माँ बाप ने बेटी की शादी की, घर में प्रॉब्लम हुआ, कहते खबरदार जो वापिस आई। भाई था, भाई की शादी हो गई, अब उसकी बीवी कहती है नहीं खबरदारी बहन क्यों आए, एक रोटी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी खाने के लिए उसको, बहन सगी बहन। तो ये खून के रिश्ते जो है वो सफेद हो जाते हैं। इसीलिए कभी कभी ये कहानियां मैं सुनता हूँ, यार मरीज आते हैं हमारे पास, बड़ी दुखी दुनिया, बड़ी दुखी है। तो मुझे मौलाए कायनात का मौला अली अलैहि सलाम का एक कौल याद आता है कि रिश्ते खून से नहीं एहसास से बनते। जिस रिश्ते में एहसास खत्म हो जाए, चाहे वो खून का हो, वो रिश्ता खत्म हो जाता है। तो ये एहसास खत्म होता जा रहा है इंसानों के, रिश्तों का तकद्दुस, रिश्तों का एहतराम, उस रिश्तों में एहसास, सब खत्म होता जा रहा है। दुनिया पता नहीं क्या से कहां हो जाती है। तो बस अच्छी चीज ये कि चुप रहो, खामोशी इख्तियार करो। अच्छा जी, हाजरीन के आज सवाल बहुत आ गए है मेरे ख्याल में आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिबलिंग जेलेसी क्या होती है और उसको किस तरह खत्म किया जाए? यानी छोटा भाई या बहन अपने बड़े या बड़े भाई या बहन से जेलस हो, माँ बाप अगर बड़ी औलाद को उसकी अच्छाई की वजह से पसंद करें तो छोटे बच्चे जेलस हो जाते हैं। जो बच्चे माँ बाप की इज्जत ना करें उनके लिए क्या करना चाहिए? कल उरूज का इसी पे था समा के ऊपर सुबह प्रोग्राम, अगर आपने देखा हो, सिबलिंग राइवलरीज, भाई बहन के दरमियान, भाई भाई के दरमियान, बहन बहन के दरमियान जेलसी हसद। अच्छा, होता यह है कि दो सूरतें होती है। घर में एक बच्चा बहुत जहीन हो, बहुत होशियार हो, चाक और चौबंद हो, स्पोर्ट्स में अच्छे मतलब परफॉर्मेंस देता हो, मार्क्स अच्छे लाता हो, तो सब घर वालों का वो मंजूर नजर हो जाता है। मैं अपनी मिसाल दूं, मैं हर क्लास में फर्स्ट आता था और बगैर पढ़े हर क्लास में फर्स्ट आता था। मेरे मौलवी साहब जो मुझे कुरान पढ़ाते थे वो हैरान होते थे कि वो पढ़ाते थे मैं सीख लेता था, बाकी मेरे भाइयों को डांट पड़ती थी और मार पड़ती थी। अब इसमें हुआ ये कि मेरा छोटा भाई डॉक्टर अजीज, अब तो माशाल्लाह बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो जहीन था पर मैं एक्सेप्शनली जीनियस था। अब होता ये था कि जब रिपोर्ट आती थी स्कूल से कि आज के दिन रिपोर्ट कार्ड मिलनी है, घर में शोर होता था। अब वो मेरे वालिद जो है वो सबको फोन करके बताते थे, सबको बताते थे कि मोइस फिर फर्स्ट आया इस साल। अब इसमें मेरे कजन्स, मेरे अपने भाई, इनको प्रॉब्लम होती थी बिकॉज कंपैरिजन घर वाले, मैंने कभी नहीं की, घर वाले शुरू करते थे, खानदान वाले शुरू करते थे। तो ऐसा बच्चा जो है वो एहसास से कमतरी में मुबतला हो जाता है। दूसरा, घर में कोई ऐसा बच्चा हो जो वीक हो, कमजोर हो, बीमार रहता हो, तो भी माँ बाप उस पर तवज्जो ज्यादा देते हैं। तो दोनों सूरत में अगर एक बच्चे को तवज्जो ज्यादा दी जाए तो दूसरा बच्चा छोटा हो या बड़ा हो वो अपने आप को महसूस करता है आउट ऑफ प्लेस, कि मुझे कोई तवज्जो नहीं देता, मुझे कोई टाइम नहीं देता। हालांकि माँ बाप इक्वली मोहब्बत करते हैं बच्चों से। अक्सर ये देखा गया है कि जब किसी बच्चे का इशू होता है, 6 साल 7 साल का बच्चा, और माँ हमारे पास लेके आती है, तो हम पूछते हैं कि जी ये दूसरा बच्चा आपको कितने अरसे बाद पैदा हुआ? वो कहते हैं 4 साल के बाद। इसका प्रॉब्लम कब शुरू हुआ? उसके पैदाइश के बाद। क्योंकि छोटे बच्चे को माँ ने तवज्जो दी, जाहिर है छोटा बच्चा है ना, इन्फेंट है, तो उसको माँ लेके भी अपने साथ सुलाती है, दूध पिलाती है, ये करती है।
अब वो जो वक्त उसको दे रही है एक्स्ट्रा, बिकॉज वो बच्चा इतना छोटा है कि उसे चाहिए वक्त, कुछ कर नहीं सकता खुद अपने तौर पे, तो बड़े बच्चे को जेलेसी फील होती है कि मेरी माँ उसको वक्त ज्यादा दे रही है। अच्छा, बच्चे जो है इस एज में अंटिल द एज ऑफ 7 और 8 वो रीजन नहीं कर सकते चीजों को, इवन अंटिल द एज ऑफ 14 बड़ा मुश्किल है रीजन करना कि ये सही है गलत है क्यों है ये नहीं। हाँ, 15, 16, 17, 20 साल की उम्र के बाद आपकी जो मंतकी सलाहियत है वो एक्टिव होती है और आप चीजों को रीजन कर सकते हो कि हाँ अगर मेरा वालिद इसको टाइम ज्यादा दे रहा है तो इसकी वजह ही है कि वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन, ज्यादा डिजर्व करते हैं, वो कमजोर है या कोई वजह है उसकी। तो अब सिबलिंग राइवलरी सब में होगी। अब होना ये चाहिए कि जिस बच्चे को हसद हो अपने भाई या बहन से, उसको आप इंचार्ज बना दें घर का, उसे कैप्टन बना दें। क्लास में सबसे शरीर बच्चे को जब कैप्टन बना देता है वो ठीक हो जाता है, वरना पीछे बैठे शरारत करता है। तो उसको आप कैप्टन बना दें, उसको डिसीजन लेने दें जिंदगी में, उसको फील होगा कि मेरी भी कोई इंपॉर्टेंस है, उसको ये प्रॉब्लम उसकी फीलिंग का है। माँ बाप की मोहब्बत का नहीं है, माँ बाप इक्वली मोहब्बत करते हैं अपने बच्चों से, मगर ये वो फील करता है, और क्योंकि जब वो फील करता है तो वो फीलिंग उसकी सही गलत उसके लिए सही है, हमारे लिए गलत हो। तो उसको आप कैप्टन बना दिया, उसको घर के अंदर डिसीजन, अच्छा बताओ बेटा आज फला दिन क्या पकना है, अगर हमने कारपेट लेना है तो किस रंग का लेना है, हमने क्या करना है, छोटे छोटे जो फैसले आपकी लाइफ के होते हैं उसके अंदर उसको शामिल करें, तो ही विल फील एलिवेटेड, अपने आप को ऊपर महसूस करेगा और उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम कम हो जाएगा। दूसरा सवाल, जो माँ बाप बच्चों की इज्जत नहीं करते, एक तो बहुत ही बदनसीब है वो औलाद जो माँ बाप की इज्जत नहीं करती, इसमें बहुत बड़ा कसूर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का, बहुत बड़ा कसूर। सोशल मीडिया वैसे तो बहुत अच्छा टूल है, हम बहुत कुछ सीखते हैं उससे, मगर इसी तरह उसका एक अपोजिट पार्ट भी है, जैसे छुरी है, गला काटे या सेब काटे, छुरी का कसूर नहीं है, काटने वाले के ऊपर है कि वो क्या काटता है। तो सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी वाहियात चीजें हैं जो बच्चों को माँ बाप की इज्जत करने से रोकती है या उसे मना करती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बहुत सारे म्यूजिक ऐसे हैं कि जब बच्चे उन म्यूजिक के आदी हो जाते हैं तो उनके जहन में इश्तियाल और गुस्सा पैदा होता है। कल केसेस जो चल रहे हैं कि ड्रग्स के ऊपर जो चल रहा है केसेस, हमारी स्कूल्स के बाहर स्ट्रॉबेरीज बिक रही है, आइस बिक रही है, कॉलेज शर्म का मकाम है, कोई सोचने वाला नहीं है क्या वो स्कूल के असातजा, क्या स्कूल का प्रिंसिपल, कॉलेज यूनिवर्सिटी के, क्या वो बाहर आके देखते नहीं है कि क्या हो रहा है हमारे बच्चों के साथ। आइस और स्ट्रॉबेरी बड़ी कॉमन आजकल है। अब कहते हैं बच्चों को सुकून चाहिए, भाई सुकून इसलिए चाहिए कि घर में सुकून नहीं है, माँ बाप टाइम नहीं दे पाते, तो वालिद मेहनत करके रात को आता है, बीवी जो है वो खाना बनाती है, घर पाक साफ करती है, सफाई करती है। अब एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जहां इतनी आमदनी नहीं है कि आप कोई हेल्पर रख सके, मुलाजिम रख सके, वहां माँ बाप टाइम नहीं दे पाते, वालिद से पूछो वो कहते हैं मैं क्या करूं, बच्चों के लिए तो सब कुछ कर रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, माँ से पूछो कि मैं पूरा दिन काम वालियों की तरह काम करती हूँ, क्या करूं, नहीं करूंगा तो कौन करेगा, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उन घरों के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो एक लोअर तबके में, एक एकदम हायर तबके में। हायर तबके में इसलिए होता है कि माँ बाप पार्टीज में जा रही, माँ अलग पार्टी में जा रही, बाप कहीं और जा रहा है, बच्चों को कोई टाइम देने वाला नहीं, उसकी जो मर्जी चैनल पे जो देखे, सोशल मीडिया पे जो देखे, कोई उसे पूछ नहीं सकता। तो यहां बच्चों के अंदर नशे की तरफ भी जा रहे हैं और बच्चों के अंदर नाफरमानी बहुत बढ़ रही है माँ बाप के। पहली चीज, बच्चे को सिखाना पड़ता है फरमा बरदारी, बच्चा सीख कर नहीं आता, कोई बच्चा सीख कर माँ के पेट से नहीं आता, उसे सिखाना पड़ता है। तो कहीं पे सख्ती कहीं पे नरमी रखनी पड़ेगी। अगर बच्चा बदतमीजी करता है, फरमा बरदारी नहीं करता, तो उसकी पसंद की चीजें रोक ले, उसकी पसंद की एक्टिविटी रोक दे, ये परवरदिगार कहता है, क्योंकि वो उसने हमें बनाया है, वो हमारी नफ्सियात को माहिर नफ्सियात से ज्यादा बेहतर जानता है। अब बाहर की दुनिया कहती है कि सख्ती ना करे बच्चों पे, नहीं, किसी हद तक सख्ती जरूरी है। सख्ती से मुराद नहीं कि आप उठा के उसको डंडे से मारना शुरू कर दे, जबकि एक दौर था जब माएं मारती थी तो बच्चे कैसे फरमा बरदार थे। एक मेरे पास SP आया, काफी एजिड था, मुझे कहता है सर आज भी मैं अपने वालिद के सामने जब होता हूँ ना, देहात से ताल्लुक था, तो मेरी नजरें नीचे होती है, SP नजरें नीचे होती है, क्योंकि बचपन में बाप ने वो मार मारी है, वो मार मारी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। खैर अब वो दौर नहीं है मारने का, और मारना भी नहीं चाहिए।
जो जमाने के तकाजे उस लिहाज से हमें बच्चों के साथ डील करना चाहिए। आज के जमाने में हाथ नहीं उठता, मगर जहां सख्ती करनी है उनके वो पॉकेट मनी बंद कर दे, उनका वो टीवी टाइम बंद कर दे, ताकि बच्चे को एहसास हो कि जिंदगी में कोई चीज फ्री नहीं मिलती, और जब तक उसमें ओबीडियंस नहीं होगी, उसमें नहीं होगी, खुदा की कसम उसकी औलाद उसकी ओबीडियंस नहीं होगी। एक बड़ा मशहूर किसी ने किस्सा लिखा था, कुछ सालों पहले मैंने पढ़ा था, कि एक घर में बूढ़ा बाप था, बेटा था, बहू थी और एक पोता था। अच्छा, पोते को दादा से बड़ी मोहब्बत होती है और दादा को भी पोते से बड़ी मोहब्बत होती है। तो उस बूढ़े अंकल को पार्किंसन हो गया। पार्किंसन में आपको पता ना, हाथ पैर कांपने लगते, खासकर हाथ कांपने लगते। तो वो बेचारा जब टेबल पे सब बैठते खाना खाने, वो खाना खाता तो कभी प्याला उसके हाथ से गिर के टूट जाता, कभी चम्मच गिर के टूट जाती। तो बहू बड़े गुस्से में होती, तो उसने क्या किया कि एक दिन बाजार से जाके लकड़ी का प्याला और लकड़ी की चम्मच लेके आई, ताकि गिरे भी तो टूटे ना। बेटे ने पूछा कि आपने दादा को ये क्यों दिया? तो कहा, दादा बूढ़े हो चुके, वो प्याले उनसे गिर के टूट जाते। खैर जी, बच्चे ने देख लिया, छोटा बच्चा। कुछ वक्त गुजरा, उस दादाजी की डेथ हो गई। तो जब डेथ से फारिग हुए, तदफीन वगैरह के, तो उनका जो सामान वामान था वो बहू ने निकाला कि अब ये गरीबों को दे दें या कहीं दे दें। तो वो प्याला और चम्मच जो है वो बेटे ने ले ली। तो माँ ने कहा, बेटा दे दो इसको क्या, दादा तो चले गए। कहते, नहीं अम्मी, ये रखूंगा मैं। कहते, क्यों? जब आप बूढ़ी हो जाएगी ना तो ये आपके काम आएगी। व्हाट गोज कम्स बैक। ये दुनिया अमल और रद्द अमल के बेसिस पे है। जो आज अमल करोगे, कल आपकी औलाद आपके साथ वही करेगी। आज माँ बाप के फरमा बरदार होंगे, कब आपकी औलाद बड़ी होकर आपकी फरमा बरदार होगी। ये बड़ा जबरदस्त लेसन है, अगर समझा जाए तो बहुत बड़ी बात, ना समझा जाए तो कुछ भी नहीं। अच्छा जी, लगता है हाजरीन के सवालात में आज वक्त गुजर जाएगा। ये हिना ने बड़ा खूबसूरत सवाल, दो सवाल भेजे। रोल ऑफ लैंग्वेज और मदर टंग इन एनहेंसिंग क्रिएटिविटी स्किल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीमिक फॉर्मेशन। एस्किमा, एस्किमा, एस्किमा की स्पेलिंग रॉन्ग है शायद, सीमा। अच्छा, कभी कभी मैं कहता हूँ, ये औरतें बेचारी शिकायत करती है कि हमारी माशरे में कोई वैल्यू नहीं। तो आज मैं पुलिस वालों को कह रहा था, मैंने कहा शादी करके देखो, घर का बॉस कौन होगा पता चल जाएगा। एक दूसरी बड़ी अजीब सी बात है, आप शनाख्ती कार्ड बनाने जाए, आप क्रेडिट कार्ड बना के ने जाए, वो कहेंगे मदर्स मेडन नेम। कोई आज तक पूछता है फादर्स नेम? नहीं पूछता ना। और कहते हैं मदर टंग, तो आप अपनी मदर टंग लेते। अच्छा, मदर टंग का क्या ताल्लुक है? जब आप दुनिया में आए तो पहले अल्फाज जो लैंग्वेज के सुने वो आपने मदर टंग में सुने। आपका वालिद अगर सिंधी है तो उसने इंग्लिश में आपसे बात नहीं की होगी, ना माने की होगी। माँ बाप ने अपनी मादरी जबान में आपसे बात की। उस वक्त आपके ब्रेन के अंदर नेटवर्किंग हो रही थी, सिनेप्सिस बन रहे थे आपके। ये सिनेप्सिस जब जब नई चीजें आप सीखते हैं तो ब्रेन के अंदर, एक आम फहम जबान में समझा रहा हूँ, जैसे मकड़ी का जाला होता है, इस तरह जाले बनते हैं। न्यूरॉन्स जो है वो उनके टेंड्रिकल्स होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं। तो जो पहली चीज बनी आपकी टच के बाद, दूध के टेस्ट के बाद, जो भी बना वो लैंग्वेज थी। और ये लैंग्वेज आप सुनते रहे तो आपके ब्रेन में जो प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज थी, जिसके साथ आपके इमोशंस अटैच थे, क्योंकि ये लैंग्वेज आपकी माँ बोलती थी, आपका दादा, आपकी दादी, आपके बड़े भाई, छोटे भाई, यानी तमाम वो लोग जो आपसे मोहब्बत करते थे, वो इस लैंग्वेज में आपसे कम्युनिकेट करते थे। तो ये लैंग्वेज आपके इमोशंस के साथ जुड़ी। तो याद रखें कि जब कभी आपने अपनी डेवलपमेंट करनी है ब्रेन की, और आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन मजीद डेवलप करे, वो लूसी फिल्म देखी थी किसी ने? नहीं देखी थी, हाइपोथेटिकल था, मगर वो रियलिटी हो सकती है किसी दिन। जितना दिमाग को यूज करेंगे, इतना जिंदगी के अंदर आप बड़े अजीब गरीब काम कर सकेंगे, बड़े कामयाब होंगे। तो उसके लिए है कि मादरी जबान में आप सुने, सबक सुने, मादरी जबान में कोई आपको इंस्ट्रक्शन दे, तो चांसेस ये हैं कि वो इंस्ट्रक्शन आप फॉलो भी करेंगे, तो सबक भी आप याद करेंगे। देखिए, इंग्लिश हमारी सेकेंड लैंग्वेज है। आज बड़े बड़े ऑफिसर्स, मैं CSS ऑफिस, CSP ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ, CSS जिन्होंने क्लियर किया उनकी बात कर रहा हूँ, जजेस की बात कर रहा हूँ, रिटन लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा। जब वो इंग्लिश में बोलते हैं तो उनमें से अक्सर की इंग्लिश गलत होती है।
ग्रामर गलत होती है उनकी, बट दे डोंट रियलाइज इट, मगर उनका कसूर नहीं है बिकॉज उनकी मदर टंग नहीं है इंग्लिश, ना आपके माशरे में इंग्लिश बोली जाती है, सिवाय एचबीओ फिल्में आप देखते हैं या अंग्रेजी फिल्में देखते हैं तो उसमें लैंग्वेज समझना जरूरी होता, फिल्मों में तो एक्शन होते हैं। अब उरूज की इंग्लिश बहुत अच्छी है कि उरूज ऐसे गाने सुनती है जो सारे इंग्लिश में होते हैं, तो उरूज की इंग्लिश बहुत अच्छी है, मगर मादरी जबान का बहुत बड़ा है ब्रेन डेवलपमेंट में, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट में मादरी जबान का बहुत बड़ा किरदार है। हमने मादरी जबान भी छोड़ दी, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिंधी है तो आप अपने दोस्तों में जब उठते बैठते तो आपको शर्म आएगी सिंधी में बात करते हुए, क्यों, आपकी मादरी जबान है ना। फिर हर जबान की अपनी खूबसूरती, भाई शायरी जो है सबसे बेहतरीन जो है वो फारसी में की जाती है या फिर शायरी जो है वो अरबी में की जाती है, मोहब्बत हिंदी में की जाती है, तकल्लुफ उर्दू में होता है, हर जबान की अपनी खूबसूरती है। अच्छा, अब प्री कॉन्शियस माइंड क्या है, जैसे ही ना ऐसे सवाल कर रही हो लोगों के समझ में आना बड़ा मुश्किल है। प्रीव्यू का कभी अपने नाम सुना है, प्रीव्यू, ये जो फिल्म देखते हैं आप, तो अभी फिल्म, अच्छा मुझे सबसे ज्यादा मजा फिल्म में पता कब आता है, असल फिल्म से पहले ट्रेलर देखने में, और मैं कोशिश करता हूं कि ट्रेलर ना मिस होने चाहिए मुझसे, मैं और उरूज हम दोनों जो है वो वक्त पे पहुंचते जब कभी हम सिनेमा में जाते हैं। प्रीव्यू होता है ट्रेलर, वो आने वाली फिल्म का थोड़ा सा हिस्सा पहले से दिखाते, इसको प्रीव्यू कहते हैं। तो कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा होता है उसे कहते हैं प्री कॉन्शियसनेस। अब प्री कॉन्शियसनेस का स्टेज क्या होगा, एक तो बचपन होगा जब कॉन्शियसनेस डेवलप होती है आपकी, जब शऊर आपके अंदर डेवलप होता है तो एक पीरियड होता है जब आप प्री कॉन्शियसनेस का स्टेट होता है। एक प्री कॉन्शियसनेस का स्टेट होता है जस्ट व्हेन यू आर अबाउट टू गो टू स्लीप, वो प्री कॉन्शियस, बिफोर यू गेट अनकॉन्शियस एक प्री कॉन्शियसनेस होता है। फिर एक होता है जब आप सुबह उठते हैं नींद में, नींद से जब उठते हैं वो वक्त होता है जब कॉन्शियसनेस से पहले एक पीरियड होता है जिसे प्री कॉन्शियसनेस कहते हैं, आम फहम जबान में इसका मतलब ये। हमारे यहां कॉन्शियसनेस भी समझना बड़ा मुश्किल है, हम कोशिश करते हैं उसको उर्दू में समझाने की, लगभग जो करीब तरीन वर्ड है वो शऊर है, मगर जो कॉन्शियसनेस रूहानियत के हवाले से होता है वो बिल्कुल डिफरेंट है। कॉन्शियसनेस रूह को कभी कहते हैं कि अगर हमारे वजूद के तीन हिस्से हैं, हमारा जिस्म है, हमारी बैटरी है जिसे हम नफ्स कहते हैं जिसको मौत आनी है, और रूह, तो रूह को कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। अब इस कॉन्शियसनेस पे कई बातें हुई, एक सुपर कॉन्शियसनेस की बात हुई है, एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की बात हुई है। सुपर कॉन्शियसनेस से मुराद जो आमतौर पर अंग्रेज करता है वो परवरदिगार की जो दानाई है, उसका विजडम है, वो जो उसके इसका है जो हम नहीं समझ सकते उसे सुपर कॉन्शियसनेस कहते हैं। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को कहते हैं कि कायनात में हर शय जो कि खल्क हुई है, जानदार हो या बेजान हो, उसके अंदर उसको क्या करना है उसको पता है, उसे भी कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसे यूनिवर्सल कॉन्शियस। मनी प्लांट को पता है कि उसे किस सिम जाना है, केले के प्लांट को क्या करना है उसे पता है, चीकू का प्लांट अलग होता है, मैंगो का प्लांट अलग होता है, गधे को पता है उसे क्या करना है, घोड़े को पता है उसे क्या करना है, चीते को पता है उसे क्या करना है, हाथी को क्या करना है, इसी तरह इंसान के अंदर भी ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, मगर उसकी अपनी जो जाती शऊर है जिसमें उसका नाम, उसके नजरियात, उसके एहसासात, जज्बात, शौक, ये तमाम चीजें शामिल है, तो वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से कट जाता, वो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस डेवलप होती है। तो इसका जो प्री स्टेज होता है उसे प्री कॉन्शियसनेस कहते हैं। नेक्स्ट सवाल, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, बिल्कुल आप दुआ करते रहिए, अल्लाह आपको सेहत दे, मुझे भी दे, उरूज को दे। मेरा सवाल नींद के हवाले से है कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ नींद का दौरानिया कम हो जाता है एक नॉर्मल इंसान के लिए, और ये भी बता दीजिए कि जो साइकाइट्रिक पेशेंट होते हैं उनको नींद सिर्फ दवाइयों में डिपेंड करती है, जैसे मेरी वालदा को बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो इनके डॉक्टर ने कहा है कि इसकी उम्र में सिर्फ 4 घंटे की नींद होती है और मेरी वालदा 50 साल की, बाकी आप दवा खिलाते रहे। पहले इस सवाल का जवाब दे दूं, सबसे ज्यादा नींद आती है छोटे टॉडलर्स बच्चों को,
ओ 12 12 14 14 घंटे सोता रहेगा। अच्छा क्यों जरूरी है? क्योंकि नींद ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। जितना बच्चा छोटा सोता है उतनी उसकी ब्रेन की अफजाइश, उसकी नशोनुमा, उसकी ग्रोथ होना शुरू होती है। फिर एक वक्त आता है जब आप एक्टिव हो जाते हैं, स्कूल कॉलेज, अब यहां आपके जहन में थॉट्स की यलगार आ गई। आपको पता है नींद ना आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो शख्स बहुत ज्यादा सोचेगा उसे नींद नहीं आएगी, वो रातों को जागेगा सुबह सोचेगा, और रातों को कौन जागता है? चमगादड़, बैड, राइट। अच्छा वजह इसकी है कि इतनी सारी चीजें करने को है रातों को। मैं अपने आप मिसाल, मेरी सामने एक बहुत बड़ा दौर गुजरा है मुझ पे, जब मैं रातों को सारा क्रिएटिव काम करता था, सारा क्रिएटिव, मगर दिन के वक्त अपने दूसरे काम में जाता था, तो मेरे लिए नींद 3 4 घंटे से ज्यादा नहीं थी, बट वो नींद बड़ी गहरी होती थी मेरी। नींद का टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, नींद की क्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। साइंसदान पहले कहते थे नींद के 6 स्टेजेस हैं, अब उन्होंने कहा बेसिक 3 स्टेजेस हैं, उसमें एक रैम स्लीप, एक नॉन रैम स्लीप, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2 घंटे सोते हैं और उसमें रैम स्लीप भी मिलती है और नॉन रैम भी मिलती है, तो वो 8 घंटे की नींद के बराबर। इसका यह मतलब नहीं कि आप सब 2 घंटे सोए। अब बच्चा बड़ा होता है, नींद कम हो जाती है क्योंकि जहन पे मवाद बहुत ज्यादा है सोचने का। बुढ़ापे में एक प्रॉब्लम ये होता है कि ब्रेन की डेवलपमेंट की कोई जरूरत नहीं है। जितना डेवलप होना था, एक खास एज तक डेवलप होता है, उसके बाद ब्रेन डेवलप नहीं होता, ब्रेन काम ज्यादा करता है। अब बुढ़ापे में इंसान को काम नहीं होता, तो ब्रेन के अंदर जो नींद का स्लीप, ब्रेन में एक स्लीप सेंटर होता है, वो वीक पड़ जाता है, कहते हैं कि उस बूढ़े लोगों को नींद कम आती है। अच्छा एक इसकी वजह भी है कि करने को, आप देखें सुबह मेहनत करे, शाम काम करे, थके तो कैसी नींद आती है, और करने को कुछ ना हो, पूरे दिन कुर्सी में बैठे हो, घड़ी में बैठे हो, तो इवेंचुअली आपको नींद कम वैसे भी हो जाती है। तो एक नींद का ताल्लुक फिजिकल एक्टिविटी से भी है। एक मजदूर जब रात को सोता है, बिलीव करें बगैर डायजा पाम के, बगैर किसी दवाई के, वो इतनी गहरी नींद सोता है क्योंकि वो थक चुका होता है। अक्सर मिसाल देता हूं, इंडिया में, मुंबई में मेरा बड़ा आना जाना रहा है वहां पे, क्योंकि फैमिली का एक बहुत बड़ा पार्ट वहां था। नानी थी वो चली गई, एक मामू थे वो भी दुनिया से रुखसत हो गए, खालू खाला वो भी चले गए, अब 2 मामू मेरे। वहां ये जो घर था मेरे मेरे खाला का और खालू का, उसको कहते हैं करनाक बंदर, बंदर कहते हैं पोर्ट को हिंदी में, तो वो करनाक बंदर एक बड़ा पोर्ट है वहां पे, तो वहां उनका घर था। उसके बाद एक पुल आता है, पुल की दूसरी तरफ क्रॉफर्ड मार्केट, जिसे हमारी एम्प्रेस मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, वहां उनकी शॉप्स थी मेरे अंकल की, अभी भी है। अब मैं देखता था कभी कभी जब उनकी शॉप की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि वहां बाजार था, उस बाजार के अंदर रगड़ा पैटीस बड़ी जबरदस्त मिलती थी, और उसके अलावा वो जो क्या थी, भेल, सूखी भेल, उफ माय गॉड, सोच नहीं सकते अब क्या जायका होता। तो मैं अक्सर पुल पे चढ़ के जाता था, तो मैं देखता था कि एक गाड़ी है, हाथ गाड़ी है, उसमें सामान है बहुत वजनी, एक आदमी चढ़ता हुआ जा रहा है, अब वो चढ़ नहीं सकता, तो वहां बंदे खड़े होते थे, वो 2 रुपए लेते थे, इस गाड़ी को हेल्प करते थे पुश करके, पुल के दूसरी तरफ उतार दिया। तो वो बंदा शायद दिन में 10 15 गाड़ियों को हेल्प करता था, 20 रुपए उसको मिलते थे, 20 रुपए में शाम हो गई, अब जाके वो 5 रुपए का पौवा, देसी दारू का जो पौवा होता है, 5 रुपए का उस जमाने में था, वो लगाता था। वहीं सड़क के ऊपर औरतें जमा होती थी जो वहीं खाना बनाती थी, सब्जी और चावल, 10 रुपए में प्लेट भर के उसने सब्जी और चावल खा ली, उसने जो 20 रुपए कमाए वो 20 रुपए खत्म, रात को बगैर पैसों जेब में लिए वो सो गया फुटपाथ पे, सड़क पे सो गया, और ऐसा सोया कि उसको कोई फिक्र नहीं कि कोई गाड़ी आ जाए, कोई ट्रक मुझ पे आ जाए, सुकून से सो गया क्योंकि जेब में पैसा नहीं था। सुबह उठा, फिर मजदूरी की, फिर रात को पौवा पिया, और उसके बाद उसने खाना खाया, फिर वो सो गया। हमारी नींद ना आने की बहुत सारी वजह जो है उसमें परेशानियां, वसवसे, कल क्या होगा, डॉलर बढ़ गया है, दवाई की है, फैक्ट है ना, दवाई की कीमत, उन पोल में के दरमियान मेंटल और इमोशनल स्टेट होते, कभी एकदम एक्टिव, हाइपर, गुस्सा, ये वो, और कभी बिल्कुल डल, डिप्रेस, कोई काम करने को जी नहीं चाह रहा, बड़ी खतरनाक बीमारी, एंड इट इज अ डिसऑर्डर। तो उसमें डेफिनेटली दवाई लेनी पड़ती है, उसके बगैर नींद नहीं आती। दूसरा सवाल मुझे बता देना कितना टाइम बाकी है, और अभी तो बहुत सवाल है। दूसरा सवाल ये है, रिलेटेड है कि ऐसे बाइपोलर पेशेंट का जब
हाइपर एपिसोड हो, जब हाइपर हो और वो गुस्से भी करते हो तो हम लोगों का रिएक्शन भी थोड़ा खराब हो जाता है। इसको खत्म करने के लिए हम बैड रिस्पॉन्स ना करें तो कोई हमारे लिए टेक्निक बता दे। पहली तो चीज है कि बगैर सीखे आप बाइपोलर पेशेंट को हैंडल नहीं कर सकते, इट्स नॉट ईजी। आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, एनएलपी की स्किल्स हो, उससे आप हैंडल कर सकते हैं, या सिल्वा किया हो उससे हैंडल कर सकते हैं। आमतौर पर जब वो हाइपर मोड में होता है उसको हैंडल करना, उसको कन्फ्रंट ना करें, उसकी किसी बात से बहस ना करें, वो जो करता है उसे करने दो। आपको पता है कि ये देवदिन, अच्छा बाइपोलर डिसऑर्डर बड़े अजीब किस्म के होते हैं, कुछ का ताल्लुक मौसम से होता है, कुछ का ताल्लुक महीने में पर्टिकुलर डेट से होता है, ये इस डेट पे स्विच होगा, एक से दूसरे मूड में स्विच होगा, कुछ मौसम के ताल्लुक होता है, तो कई चीजें ऐसी है। तो जिस वक्त वो हाइपर मोड में हो आप खाली देखते रहे, ऑब्जर्व करते रहे जो वो करता है करने दें, क्योंकि आप उसको रोक नहीं सकते, और रोकेंगे तो मामला खराब हो जाएगा। अच्छा, इस सवाल के बाद आज बहुत सारे सवाल रह जाएंगे, हो गया ठीक है, अल्लाह अल्लाह शुक्र। चलो एक और भी है शायद, पर्चा ये भी हो गया। चले अब हमारे इंटरनेट से वर्ल्ड वाइड जो सवाल आते हैं उनको ले लें। अच्छा, ये नो का जो मैंने समझा चुका था कि लफ्ज नो ब्रेन प्रोसेस नहीं करता, मगर हम कलमा पढ़ने में इसलिए ला से शुरू करते हैं, कलमे की पीछे जो पूरा प्रिंसिपल जो फलसफा है वो ये है कि अगर आपके ग्लास में पानी भरा हुआ है तो नया पानी नहीं डाला जा सकता, उस ग्लास को आपने खाली करना होगा। तो अब एक शख्स जो है वो कुफर से जब ईमान की तरफ आता है उसके अंदर जो भी उसने बुत बनाए, देखिए बुत खाली वो नहीं है जो मंदिर में रखे, सबसे खतरनाक बुत इंसान के अंदर है, उसके एहसासात, उसके ख्वाहिशात के, उसके गुलाम जो होता है इंसान, उसके नजरियात का बुत जो होता है ना, उसकी बरादरी, उसका मसलक, उसका फिरका, उसके बुत भी होते हैं। तो ये बुत तमाम तोड़ने के लिए जरूरी है कि मैं तमाम चीजें बाहर निकाल रहा हूं और सिर्फ एक अल्लाह की वादानियत पर ईमान लाता हूं। अच्छा, ये तस्वुर वादानियत का और तौहीद का दुनिया के तमाम मजाहिब में, हिंदुइज्म में भी है, क्रिश्चियनिटी में तो है, ये सिर्फ बाद में फर्क ये पड़ा कि उन्होंने ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट आ गया कि गॉड द सन एंड द होली स्पिरिट तीन आ गए, वरना एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट बाइबल में और ओल्ड टेस्टामेंट में जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एक अल्लाह का है। इवन सिखिज्म के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो परमात्मा का एक है, जिसकी कोई इमेज नहीं है, कुछ नहीं। तो इसलिए हम ना से शुरू करते हैं, और ना आप जिंदगी में एक ही दफा बोलते हैं। बच्चों को आप कितनी दफा बोलते हैं? नहीं, कितनी दफा बोलते हैं? एक ब्रिटिश रिसर्च थी कि बच्चा जब 16 साल तक का होता है तो एक अंदाजे के मुताबिक 60,000 या 80,000 मरतबा मां बाप उसको ना कहते हैं। तो ना 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 ना। दूसरा इन्हीं का पोर्शन ये कि सेकेंडरी डू यू बिलीव द तकदीर और तदबीर पर डिस्कशन करना इज अलाउड, इज नॉट अलाउड, इफ यू डोंट कैन यू प्लीज मेक अ वीडियो। अच्छा जी, किसने कहा कि तदबीर और तकदीर पे डिस्कशन करना अलाउड नहीं? किसने कहा? तदबीर से तकदीर बदलती है। मैंने इसके ऊपर एक काफी मैंने डिस्कशन किया है, थर्सडे लेक्चर की पुरानी वीडियोज देखें, प्लीज पुरानी वीडियोज देखें, रोज नहीं दे सकते, हफ्ते में दो दिन एक लेक्चर थर्सडे का सुन ले, जहन रोशन हो जाएगा। मैंने समझाया था कुछ चीजें टोटली फिक्स्ड है जो किसी सूरत में चेंज नहीं हो सकती, आप उसके ऊपर कपड़ा दूसरा डाल सकते हैं, ओरिजिनल वही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मदर टंग, बाद में आप इंग्लिश सीख लें, आप जर्मन सीख लें, मगर मदर टंग वही रहेगी जो आपकी थी, ठीक है। माँ बाप चेंज नहीं कर सकते आप, बाद में बना लें अलग बात है, मगर जो एक्चुअल आपके माँ बाप थे वो वही रहेंगे, ये फिक्स्ड है। आप किस जगह पैदा हुए, किस शहर में, किस मुल्क में पैदा हुए वो चेंज नहीं हो सकता। नेशनैलिटी बाद में आप दूसरी ले लें, मगर प्लेस ऑफ बर्थ वही रहेगी आपकी। पहला खिलौना आपके वालिद ने किया दिया, वालदा ने किया दिया, वो चेंज नहीं हो सकता। आपकी पहली स्कूल क्या थी वो चेंज नहीं, वो फिक्स है। इसे कहते हैं तकदीर, जो फिक्स है, प्लस इंसान के अंदर उसकी फितरत जो अल्लाह ने डाली है वो तकदीर है, वो चेंज नहीं हो सकती। फिर किस्मत, आपको पता है किस्मत बताने वाले बड़े हाथ भी देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी से भी कहते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है। अब में से जिन्होंने फोर डायमेंशन टू किया है
तुम्हारे भी हाथ की लकीर चेंज हुई, नई लकीर आई कोई, राइट? ये किस्मत है जो चेंज हो सकती है, इसी को नसीब भी कह लें आप। तो तदबीर से, तकदीर का वर्ड यूज किया मगर एक्चुअली तदबीर से नसीब और किस्मत चेंज हो सकती है, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको कमजोर कर सकते हैं, एक नई चीज आप ला सकते हैं। इट इज 100% पॉसिबल दैट यू कैन चेंज। मिसाल के तौर पर एक शख्स डॉक्टर के पास जाता है, मेरे हार्ट में पेन है, मेरे दिल में दर्द हो रहा है। डॉक्टर पूछता है, अच्छा फैमिली में किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है? क्योंकि जेनेटिकली पास हो रही है ना। तो हाँ, कहता है मेरे अब्बू का था। उसने कहा, देखो बात सुनो, अगर तुम चाहती हो तुम्हें हार्ट अटैक ना हो, सिगरेट छोड़ो, ऑलिव ऑयल में खाना खाओ, सब्जी ज्यादा लो, गोश्त बंद करो। ये कहेगा डॉक्टर, आप जानते हैं डॉक्टर यही कहेगा ना, और एक्सरसाइज करो और खुश रहा करो, स्ट्रेस मत लो। अच्छा, ये तदबीर है सारी की सारी। अगर वो इस तदबीर पे अमल करता है तो चांसेस है कि शायद जिंदगी भर उसको हार्ट अटैक ना हो। तो तदबीर से तकदीर बदलती, और कई मिसालें दुनिया में ऐसी है कि लोगों ने तदबीर से अपनी तकदीर बदली है। तो याद रखें, इंसान मोहताज नहीं है। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, बोल बोल के थक गया हूं कि हर चीज फिक्स्ड है। हर चीज फिक्स्ड नहीं है। अगर अल्लाह ने इंसान को अमल और इरादे का इख्तियार दे दिया, फिर फिक्स कैसे हो गई? मैं कत्ल करता हूं, सॉरी जी आपको नहीं, वैसे इशारा कर रहा हूं, अगर मैं इनको कत्ल कर दूं तो मैं क्या करूं? इस पे एक बड़ा जबरदस्त किस्सा था बहलोल दाना का, पता नहीं आपने सुना कि नहीं सर, बड़ा मशहूर। बहलोल नाम था, दाना इसका मतलब दाना ही थी उसके अंदर। वो एक मलंग था, एक मस्त था। हुआ ये कि खलीफा के दरबार में एक कोई मौलाना साहब थे, खलीफा से कोई बात कर रहे होंगे और कहा कि देखो मैं सोचता हूं कि शैतान को आग से बनाया है तो फिर जहन्नम में डालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, आग आग को नुकसान कैसे पहुंचाएगी, ठीक है? फिर उन्होंने एक दूसरी बात ये कही कि देखें, अल्लाह ने हर चीज फिक्स कर दी है, सब कुछ फिक्स है। आप किस दिन क्या बैठेंगे, क्या खाएंगे, कब मरेंगे, कब जिएंगे, कौन सा काम करेंगे, बच्चे कितने होंगे, सब फिक्स कर दिया अल्लाह ने। और दूसरी शायद चीज इन्होंने कही थी कि अल्लाह नजर नहीं आता। तो लोगों को बड़ा मसला है कि अल्लाह तो नजर आता नहीं, तो क्या उसको वजूद है? जो चीज नजर ना आए उस पर वजूद है कि नहीं? शायद कोई दूसरी, आई थिंक दूसरा मजहब का बंदा, क्योंकि हमारा मौलवी ऐसी बात नहीं कर सकता अगर सही मौलाना है। तो तीन चीजें कही, एक अल्लाह नजर नहीं आता तो जो चीज नजर नहीं है उसका वजूद है कि नहीं, दूसरा शैतान आग से बना है उसके आग में डालेंगे तो कुछ नहीं होगा उसको, और तीसरा ये था कि क्या था तीसरा, हर चीज फिक्स्ड। तो वो बहलोल दाना सुन रहा था, उसने एक मट्टी का ढीला उठाया और मारा उसके सर पे, ठक से लगा। अब वो तो दरबार में शोर हो गया कि ये क्या किया बहलोल ने, बादशाह ने कहा अंदर आओ, खलीफा ने कहा अंदर आओ, ये तुमने क्या किया, इसको क्यों मारा? वो आदमी कह रहा है मुझे मारा, मुझे चोट लगी, दर्द हो रहा है। उसने कहा बात सुनो बादशाह, मैं इसने जो तीन बातें की उसका मैं जवाब देता हूं। इसने क्या कहा कि शैतान आग से बनाए तो अल्लाह उसको आग में डालेगा, तो आग आग को तो कुछ नहीं करेगी। इससे बताओ ये किससे बनाए, मिट्टी से, तो मैंने मिट्टी से तो मारा, इसको चोट क्यों लगी? मिट्टी को मिट्टी ने मारा, चोट क्यों लगी? दूसरा ये कहता अल्लाह है नजर नहीं आता, इसका मतलब वजूद नहीं है। इसको बोलो क्या कह रहा, कहता दर्द हो रहा, कहता दिखाओ का है दर्द, दिखाओ। वो कहते दिखा नहीं सकता, उसका मतलब तुझे दर्द है मगर दर्द नजर नहीं आता। और तीसरा ये है कि इसने तो खुद ही कहा कि हर चीज फिक्स है, तो मैंने जो उसको पत्थर मारा वो इसलिए मारा कि अल्लाह चाहता था कि मैं उसे मारूं, तो मेरा इसमें क्या कसूर? बात समझाने की थी, अल्लाह ने आपको मुकम्मल इख्तियार दिया, आप जिस रास्ते पर चलना चाहे आप चले। तो रोजे मैशर वो आपसे पूछेगा, तुझे पूरा इख्तियार दिया था अपनी जिंदगी जिस तरह गुजारनी गुजार, आज तू सारे आमाल लेके मेरे पास आया, तेरे पास इख्तियार था, तो मस्जिद जाता या तू कहीं और जाता, तेरी मर्जी। तो ये चीज अपने जहन से निकाल दे, तकदीर कुछ चीजें फिक्स हैं, वो चेंज नहीं हो सकती, जो चीजें चेंज हो सकती है वो तदबीर से हो सकती है। अच्छा जी, टाइम मेरे ख्याल में ज्यादा नहीं है, बाकी सवाल नेक्स्ट टाइम पे लेंगे, 5 मिनट है ना। सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दू, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया, कुछ लोग माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत पढ़ते। रिस्पेक्टेड सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकॉर्डिंग टू जे कृष्णमूर्ति, माइंड इज इक्वल टू साइकोलॉजिकल टाइम, वुड यू प्लीज एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट इन डिटेल? है तो बड़ा इंटरेस्टिंग कि साइकोलॉजिकल टाइम क्या होता है, नफ्सियाती टाइम क्या होता है। जे कृष्णमूर्ति को हर आदमी नहीं समझ सकता, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी था, और इसका पूरा नाम था जिडू कृष्णमूर्ति।
ना ये हिंदू था ना मुसलमान था, उसने तमाम चीजों को छोड़ दिया और ये जहां जहां जाता उसको हजारों लोग उसको फॉलो करते थे। तो इसका कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, कोशिश करूंगा समझाने की, बहुत मुश्किल है समझाना। एक होता है क्रोनोलॉजिकल टाइम, कैलेंडर टाइम जिसको हम कहते हैं। अगर मैं कहूं मेरी उम्र 50 साल है, इसका मतलब 50 साल का मतलब है कि हर साल में 365 दिन इतनी मरतबा जमीन सूरज के गिर्द घूमी, इस घूमने को हम एक साल कहते हैं और इतने सालों मुझे हो गई जिंदगी। आपने कहा जी आपकी उम्र 40 साल है, 40 साल ये क्रोनोलॉजिकल टाइम है। एक होता है साइकोलॉजिकल टाइम, ये बड़ा समझने की बात है। एक होती है हमारी सोच, हमारा ख्याल, और एक होता है हमारा अमल। तो ख्याल और अमल के दरमियान जो वक्फा होता है वो साइकोलॉजिकल टाइम होता है, वो नफ्सियाती टाइम होता है, जो हकीकत में नहीं होता मगर हम उसे क्रिएट करते हैं। अब मिसाल के तौर पर इंसान जब भी कोई अमल करेगा तो उस अमल के पीछे उसका माजी होगा जो उसे कंपेल करता है, मजबूर करता है अमल करने। मैंने एक आम खरीदा, खट्टा था। अब मैं दूसरा आम जब खरीदूंगा तो सोच समझ के खरीदूंगा। 2 दिन पहले मैं रास्ते में जाते हुए मैंने स्ट्रॉबेरीज ली, उसको मैंने कहा, उसने कहा 150 रुपए किलो। मैंने कहा देख भाई सही देना। उसने आधी से ज्यादा सड़ी हुई स्ट्रॉबेरी दे दी। अब उसका कितना फायदा हुआ होगा? 100 रुपए का ना, मेरा 100 का नुकसान हुआ, उसका 100 का फायदा हुआ। मगर वो 100 के फायदे के लिए उसने कितना बड़ा नुकसान किया। एक तो मैं कस्टमर चला गया उसके पास, दूसरा उसको जवाब देना होगा इसका। हर अमल का रद्द अमल है, बेईमानी 100 रुपए की। अच्छा भाई करनी थी तो 100-200 करोड़ अरब की करता है, जो कर चुके हैं हमारे मुल्क में, बहुत बड़े बड़े कर चुके हैं, तो उसको दुनिया में तो कोई नहीं पकड़ता, आखिरत में पकड़े जाए तो जाएंगे। अब ये जो पीरियड होता है कि जिसमें माजी आके आपको कंपेल करता है, मजबूर करता है अमल करने में, जितना इंसान वक्त लगाता है अमल करने में, सोच और ख्याल और अमल के दरमियान जो पीरियड होता है ये साइकोलॉजिकल टाइम है। तो ये जो काम करता था कृष्णमूर्ति, उसने अजीब से उसको थियोसोफिकल सोसाइटी, आपने शायद नाम सुना होगा, वहां उसको बड़े रूहानियत माहौल में पाला था उसको। जब वो बड़ा हुआ उसने हर चीज को कहा बेकार है। क्यों बेकार है? उसने कहा तमाम डॉक्ट्रिन समझते ना विजडम, वो सारा माजी है, सारा माजी है, और माजी डेड है। तो उसने उन तमाम चीजों को रद्द करके वो बात बिल्कुल डिफरेंट करता था। कई लोग मानते थे, कई लोग नहीं मानते थे। उसकी एक किताब है, अगर समझ सको और पढ़ सको, अब तो डाउनलोड भी हो सकती फ्री में, नेटवर्क ऑफ थॉट्स, कि सोच का ख्याल का ओरिजिन का है, नेटवर्क ऑफ थॉट्स कहते हैं उसको, जीडू कृष्णमूर्ति की। तो ये जो साइकोलॉजिकल टाइम है, ये चूंकि इंसान किसी चीज की वजह से अमल करने से गुरेज करता है, देर करता है, वो जो पीरियड बीच में होता है वो नफ्सियाती टाइम होता है उसका, और वो उसके लिए नुकसानदेह होता है, क्योंकि वो माजी ही से मुस्तकबिल की तरफ जाने की कोशिश करता है, जो कि गलत है। अब सोचे ना आप, माजी में बहुत सारी चीजें थी, कोई मिला कोई बिछड़ा, किसी से मोहब्बत हो गई, वो नहीं आपके साथ है। अब जब आप माजी पे सोचेंगे तो वो कैफियत तारी होंगी, किसी ने पैसे लिए आपको वापिस नहीं दिए, अब वो तकलीफ आपको याद आ रही है, हालांकि कई साल गुजर चुके मगर वो तकलीफ आपको याद आती रहेगी। तो जितनी वो तकलीफ याद आती रहेगी उतना आप माजी में रहेंगे और अमल नहीं करेंगे मुस्तकबिल को चेंज करने के लिए। तो वो जो पीरियड में फंस जाते हैं, आप स्टक हो जाते हैं, उसको साइकोलॉजिकल टाइम कहते हैं, नफ्सियाती टाइम कहते हैं। तो माजी में जो हो चुका वो हो चुका, हम छोड़ते नहीं ये चीजों को। मैंने एक दफा कहा था, कई दफा कहा था वर्कशॉप में, कहता हूं एक बहुत बड़ी अमाउंट मेरे साथ फ्रॉड हुई, उनका कसूर नहीं था, किसी ने उनके साथ फ्रॉड किया। 2-4-5 दिन बड़ा परेशान, बहुत बड़ी अमाउंट थी, कई साल पहले की बात है, मैंने अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए बचा के रखी। अब हुआ ये कि रोज सोचता मैं रात को, एक दिन मैंने उनको बुलाया, उन बेचारों बच्चों को, उनका तो सब कुछ लूट गया ना, कोई थर्ड पार्टी उनको फ्रॉड कर गई बहुत बड़ी, उनको खाना खिला, उनके पास पैसे नहीं थे बिजली का बिल देने, और उनकी बिजली कट चुकी, और फैमिली वाले यंग लड़के थे, बीवी बच्चों वाले, मैं उनको ले गया, मैंने क्रेडिट कार्ड से कुछ पेमेंट कैश करवाई और मैंने उनको कहा ये बिजली का बिल दे, और मैंने उनसे एक जुमला कहा, मैंने कहा जो पैसे तुमने मुझे देने थे मैं जानता हूं तुम लुट चुके हो, मैं इस कर्जे को कन्वर्ट करता हूं कर्ज आसन में,
अगर जिंदगी में अल्लाह तुम्हें दे तो देना, नहीं दे तो माफ। जिस दिन मैंने उनसे कहा बुला के ऑफिस में, उस दिन के बाद से मैं रात को चैन से सो गया, क्योंकि अब टेंशन है ही नहीं कि पैसा मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो टेंशन ही खत्म होगी। उस पैसे से ही जान छुड़ा ली मैंने। और कर्ज हसन बड़ी मुबारक चीज है, जिंदगी में दिया करे कर्ज हसन। 2 साल में मेरे बच्चों के इतने जबरदस्त ग्रेड्स आए ए लेवल्स में कि 2 मेजर अमेरिकन यूनिवर्सिटीज ने दोनों को 4-4 साल की टोटल स्कॉलरशिप दी, और एक स्कॉलरशिप एक बच्चे को 1 साल के लिए $45,000 की थी, 4 साल की थी, क्योंकि मैंने वो चीज छोड़ दी। अब पकड़ के रखता, रोता रहता, कहीं दिल में प्रॉब्लम हो जाता, हार्ट अटैक हो जाता, पेट में अल्सर हो जाता, स्किन पे एक्जिमा हो जाता, या सोराइसिस हो जाता, क्यों होता भाई, छोड़ दी। अच्छा, इसलिए छोड़ी कि वो पैसे मेरे थे ही नहीं, मुझे जिसने दिए थे वो मुझे वापस दे देगा। ये सोच बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपका अपना कुछ भी नहीं है, कुछ भी आपका अपना नहीं है, आपकी अपनी सोच आपकी माजी से है। आपका अपना कुछ भी नहीं है, जो आपने पहना खाया जो अंदर चला गया वो आपका था, हाथ में निवाला भी आपके नहीं है। जब तक मुंह में जाके हजम ना हो जाए तब तक वो आपका नहीं है, कोई आपके हाथ से छीन सकता है, आपका अपना नहीं है। तो फिर ये चीजों से इतना ज्यादा गले लगना, इतनी अटैचमेंट करना, ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसलिए रातों की नींद हराम हो जाती है। ओके, तो साइकोलॉजिकल टाइम को आपने रिड्यूस करना है, माजी से निकलना है आपने, और मुस्तकबिल के लिए माजी का सहारा नहीं लिया जाता। अनटेलेस कोई चीज आपने सीखी है, अभी गाड़ी चलानी है मुझे तो जाहिर है माजी में गाड़ी सीखी है तो मैं भी चलाऊंगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो माजी जो आपके मुस्तकबिल में जाके एक और ये भी नई चीज है, शायद आपको कोई बताए ना, अगर मैं 3 दायरे बनाऊं, माजी हाल मुस्तकबिल, माजी हाल मुस्तकबिल, आम आदमी ये समझते, इवन साइकोलॉजी समझते हैं कि माजी आपका हाल में आता है, मुस्तकबिल को खराब करता है, माजी हाल में नहीं आता, माजी मुस्तकबिल में जाता, और मुस्तकबिल से सोच आती है हाल में। बड़ा अजीब सा है, फिर कभी समझाऊंगा। हीलिंग कर लें जी, और फिर कुछ अनाउंसमेंट मुझे कह देना, याद रख। अच्छा दोस्तों, आंखें बंद करें, 1 मिनट हीलिंग करते हैं। अगर आपको अपने लिए चाहिए, अपने जिस्म पर हाथ रखे, जहां आपको प्रॉब्लम हो, घर में कोई मौजूद हो जिसको हीलिंग चाहिए उसके जिस्म पर हाथ रखे, कोई दूर हो तो आंखें बंद करके उसका तसव्वुर करें, उस पर हाथ रखें, दुरूद पढ़ते रहिएगा। जिस मजहब से भी आपका ताल्लुक हो, कोई भी मजहब की कोई मंत्र कोई दुआ कुछ पढ़ते रहिए, फाइन। अनाउंसमेंट करनी थी, कल जो हमने लेक्चर दिया था डॉक्टर्स को मार्टिन डाउ कंपनी की तरफ से, वो मोस्ट प्रोबेबली आज यूट्यूब पे लग चुका है, नए वाले चैनल पे, नए चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सारी वीडियो अब सिर्फ नए चैनल पे डालेंगे, पुराने चैनल पे हम नहीं डाल रहे वीडियोस नहीं। आज सिंध पुलिस की एक कॉन्फ्रेंस थी 2 दिन की, बहुत इंटरेस्टिंग थी, मेरा उसमें एक लेक्चर था, समझाने की कोशिश की कि इंसान का पोस्चर, उसका बैठना उसके माइंड की तर्जुमानी करता है, जैसी सोच वैसा जिस्म एक्ट करता है। आई होप उनको समझ में आई हो, और माशाल्लाह बड़ा अप्रिशिएट किया, मुझे तो पता नहीं था कि कई पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हमें जानते हैं, मुझे और उसको जानते हैं। इसकी वीडियो भी इंशाल्लाह कल किसी वक्त हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, नए चैनल पे, माइंड साइंसेस ऑफिशियल के नाम से चैनल है, माइंड साइंसेस। गर्मी बहुत शदीद थी मगर हुआ, अच्छा प्रोग्राम हुआ। अगली जुमेरात मैं लंदन में हूँ, लंदन में हम NLP और कुंडलनी कर रहे हैं। कुंडलनी क्या है, मैं नहीं कराना चाहता, फिर भी लोग कुंडलनी पीछे पड़े हुए, कुंडलनी कल कराची में शुरू हो रही है, कुंडलनी 3 दिन के लिए, 6 से 9 2 दिन और 1 दिन 2 से 5 संडे, 2 से 5 PC में हो रही है, तो नहीं कराना चाहता। तो लंदन जुमेरात को हम होंगे, लंदन से जुमेरात को NLP और कुंडलनी करके मैं डायरेक्ट फ्लाई करूंगा इस्लामाबाद। तो उसके बाद थर्सडे भी मैं नहीं हूं, इस्लामाबाद में हिप्नोसिस 3 दिन का चल रहा है, मगर दोनों जुमेरात को मैं आपसे फेसबुक पे आऊंगा और अपना कंडक्ट करूंगा। अब चूंकि लंदन के टाइमिंग में कोई 5 घंटे आजकल पता नहीं 4 या 5 घंटे का फर्क है, 5 घंटे का फर्क है ना, तो मोस्ट प्रॉब्ली कहीं मैं ट्रेवलिंग में हूं, क्योंकि थर्सडे को मैं लंदन पहुंचूंगा, तो अगर ट्रेवलिंग में हुआ तो रात को किसी वक्त फेसबुक पे लाइव, तो आप फेसबुक पे दूसरे दिन देख सकते हैं। और इस्लामाबाद में तो डेफिनेटली मैं 7:30 बजे इस्लामाबाद में नेक्स्ट थर्सडे, उसके बाद के थर्सडे में लाइव होऊंगा फेसबुक पे, जो सवालात लेके जाऊंगा। अच्छा अगेन गुजारिश है, सवालात भेजें, छोटे भेजें,
ठीक है, पढ़ने में टाइम लगता है। दूसरा, ऐसा सवाल भेजें जिसका जवाब पहले से ना दिया हो, तो बराए करम कुछ थोड़ी सी वीडियोस देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। आज दाल चावल अचार और एक चीज होती थी इंडिया में, गुजराती लोग कचुम्बर कहते हैं शायद इस एरिया के लोग, वो जो सैलेड होता है, अब तो कई जगह कचुम्बर शुरू हो चुका है, बड़ी बड़ी फैंसी रेस्टोरेंट में सैलेड की जगह कचुम्बर। इवन लाहौर में अगर आप बुंदू खान है लाहौर में, वहां जाए तो सैलेड अलग है कचुम्बर अलग है। तो प्लीज नौश फरमाइए। और आपकी जो मेरे साथ यहां महफिल होगी बैठने वाली, वो 2 मई को होगी और वो रमजान से पहले आखिरी महफिल होगी। उसमें हम कुछ रोजे की अफादियत पे भी बात करूंगा, एक ऐसा कॉन्सेप्ट रोजे के बारे में जो आम आदमी नहीं जानता। और फिर रमजान के बाद हम ईद के बाद इंशाल्लाह मिलेंगे। आबाद रहें, शाद रहें, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। परवरदिगार आपको जिंदगी में बेताशा खुशियां दे, तौफीक दे के खुशियां दूसरों में बांटे। पाकिस्तान पाइंदा।